गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रोफेसर पवन कुमार यादव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में अब हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग में दो अलग अलग मेथड्स पढ़ने हैं हमें। इसमें हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे पहला, और दूसरा सिंपलेक्स मेथड पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमें दो वेरिएबल्स पढ़ने हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। टू वेरिएबल्स के पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, दो अलग अलग एक्सेस पर हम क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। ये दो अलग अलग एक्सेस हैं, इसको एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, या फिर इसको एक्स वन ले सकते हैं और इसको एक्स टू ले सकते हैं, या जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। तो ये जो एक्सेस जो लिए गए हैं, है ना, तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि क्वाड्रेंट सिस्टम होता है जिसमें चार अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं, ये चार अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें हम एक को एक्स और एक को वाई मान लेते हैं। इसमें पहला वाला क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है, ठीक। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तीसरा नेगेटिव होता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है। इस तरह से ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो जनरली आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इसमें, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है तो हमें इसमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये प्लेन पेपर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम प्लॉटिंग करेंगे और किस तरह से हम जो है लाइन्स की इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया कि हमने पहले क्वाड्रेंट लिया। क्वाड्रेंट में हमने पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमने यहाँ पर किसी भी एक्स वाई जेड लाइन की इक्वेशन के बेसिस पर लाइन को ड्रॉ करा। तो जब लाइन को ड्रॉ करेंगे हम, तो मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गई, और दूसरी एक इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। ये तीन दो अलग अलग इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस ग्राफ में अगर हमें प्लॉट करना है इस लाइन की इक्वेशन को, दोनों में से किसी को भी, तो उसके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि रीज़न कहाँ निकलेंगे, है ना, ठीक है। तो फिजिबल रीज़न के लिए सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू, ये दो जो है सिंबल्स, इन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इन दोनों सिंबल्स के थ्रू हमको ये पता चलेगा कि जो भी लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे उसमें फिजिबल जोन किस तरफ आएगा। अगर मान लेते हैं कि सिंबल इस तरह का है, ठीक है, जिसमें इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर है कंस्टेंट के, ठीक है। तो इसमें अगर किसी भी तरह की लाइन अगर आती है, इसमें अगर किसी भी तरह की लाइन आती है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है हाइलाइटेड होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी लाइन के अबव जाएगी और अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगी। ये कंडीशन फॉर्म होगी तब जब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी जब इक्वेशन जो है वो ग्रेटर होगी कंस्ट्रेंट के, तब जब हम लाइन की शेडिंग करेंगे तो इस तरह की शेडिंग हमें करनी है। अब दूसरे वाले उसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इस दूसरे वाले ग्राफ पेपर के अंदर जो कि आपको दिख रहा है यहां पे, इसमें हमें क्या करना है, यहां पर अब हम दूसरी वाली कंडीशन लेंगे x प्लस वाई लेसर देन इक्वल टू 3, यानी इक्वेशन इज लेसर देन इक्वल टू कंस्टेंट। अगर ये वाली सिचुएशन आती है और आपके पास कोई लाइन की इक्वेशन आती है ना, इस कंडीशन में आप जो है टूवर्ड्स जो है
जाएंगे यानी बिलो द लाइन जाएंगे, है ना, जो शेडेड होगी लाइंस वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। देखें आप ध्यान से, तो ये जो दो कंडीशंस हैं, ये जो दो कंडीशंस मैंने बताई हैं, एक ग्रेटर की और एक लेसर की, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, ये पहली कंडीशन, इक्वेशन इज लेसर देन इक्वल टू नंबर, ये हो गई दूसरी कंडीशन। इसमें जो है टू वर्ड्स आएगी और इसमें अवे हो जाएगी, जो लाइंस की जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन से दूर जा रही है और इसमें ओरिजिन की पास आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें इसी पर बेस्ड हैं। ठीक है, बस इतना ही है जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये तो एक चीज़ हो गई स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पॉइंट्स की। अब जैसे हमने ये दो अलग अलग इक्वेशंस ली हैं, ठीक, तो इसी तरह कोई सी भी अलग सी दो इक्वेशंस आएंगी हमारे पास या तीन इक्वेशंस आएंगी, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनके पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स किस तरह से निकालते हैं अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ले ली x1 प्लस x2 बराबर 6, ठीक, यानी ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल टू 6, या दो हैं इनकी भी हम ले सकते हैं, ये ले ली। तो हमें क्या करना है, ये जब इक्वेशन हमारे पास आएगी ये आपको गिवन होगी, ठीक है ना, जैसे हमने फॉर्मूलेशन किया था और इक्वेशन निकाली थी 1 2 3 4, इसी तरह ये जो है आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। इस लाइन की इक्वेशन को सबसे पहले आपको करना क्या है, इक्वलिटी की साइन पर ले जाना है। तो आप क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। जब ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 आपने लिख लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे नीचे, ठीक है, उसमें यहाँ पर x1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x2। अब पहले हम x1 को अगर 0 रखते हैं, x1 मतलब यहाँ इसको हम 0 रखते हैं, तो x2 की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह अगर हम x2 को 0 रखते हैं, यानी इसको 0 रखते हैं, तो x1 की वैल्यू 6 हो गई। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, 6, 6, यानी अब इसकी अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या निकला, 0, 6, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या निकला, 6, 0। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट, जो दो कोऑर्डिनेट निकले हुए हैं, इसके बेसिस पर हम, जैसे हमने यहाँ लाइन बनाई है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ 6 लिया, यहाँ एक 6 आ रहा है और एक 6 यहाँ आ रहा है। अब अगर हम इसको x1 मान रहे हैं और इसको x2 मान रहे हैं, तो यहाँ पर अगर पहले वाले कोऑर्डिनेट की तरफ जाकर देखते हैं हम, तो 0, 6 दिखा रहा है, तो 0 मतलब ये बता रहा है x1 और ये बता रहा है x2। उसी तरह दूसरे वाले की बात करें, ये x1 बता रहा है, ये x2 बता रहा है, तो यहाँ पर आपको x1 0 और x2 6, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट 0, 6 रहेगा और दूसरा वाला ये 6, 0 रहेगा। ये दो पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया आपस में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपस में मिला दिया। तो हमने इसके अंदर जो है, जब लाइन को प्लॉट करना होगा किसी भी लाइन की इक्वेशन को, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे इस मेथड के थ्रू, और इस मेथड के थ्रू हम लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद फिर हमें करना पड़ेगा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया में अब क्योंकि ये इस तरह का सिंबल है, अब इन दोनों में से किस तरह दिख रहा है, ये इस तरह का दिख रहा है, अब इस तरह का दिख रहा है, तो ये आ गई बात इस कंडीशन की, इक्वेशन लेसर देन इक्वल टू नंबर यानी टूवर्ड्स आएगा ओरिजिन के, तो मतलब जो फिजिबल जोन आएगा वो इस तरफ आएगा। अब अगर दूसरी कोई इक्वेशन होती है और अगर वो इसको कट करती, तो हम फिर जो दोनों के क्रॉसिंग एरियाज होते हैं उनको हम निकालते हैं। तो ग्राफ के थ्रू हमको ये वाला जोन जो है, जो कि टूवर्ड्स आ रहा है या क्रॉसिंग हो रही है,
उसको निकालना है, और उसमें जो हमें पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस पर जो कंडीशंस होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की उसको हमें सेटिस्फाई करना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है वो हमने पढ़ा था, हमने 6x1 प्लस 4x2 मान लेते हैं एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू है इस पे। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसकी सब्जेक्टेड लाइंस हैं, लाइंस की कुछ इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में ये जो x1 और x2 है, ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन में ये जो पॉइंट्स निकले हो इनको यहां रखेंगे अपन, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हम देखेंगे कि z की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ बताया है, अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे। ये ब्रीफ आपको इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सिंपल मेथड है ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। तो हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने पहले क्वेश्चन लिया है, z इज इक्वल टू 11x1 प्लस 4x2, ये मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन में है, ठीक है, और सब्जेक्टेड लाइंस की इक्वेशंस हैं इसमें 7x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 84, 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 32, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक, यानी हमें z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो दोनों पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, ये हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो या तो हमें जो है सीधे लिखा हुआ दिया जाएगा और उसमें से फिर हमें करना ये पड़ेगा कि हम पहले लाइन की इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, लाइन की इक्वेशन फॉर्म हो जाने के बाद, फाइनली लाइन की इक्वेशन फॉर्म हो जाने के बाद फिर हम उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी किस तरह से फॉर्म किया जाता है फॉर्मुलेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो हम सबसे पहले जो है हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले पहली लाइन ले लेते हैं, सिलेक्ट करी हमने 7x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 84, हमने इसको ऑप्ट किया इस लाइन को, और इससे हमको निकालना है। तो रूल क्या बोलता है स्टूडेंट्स, रूल ये बोलता है कि सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ये जो लाइन की इक्वेशन हमें मिली हुई है उसको 7x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 84 कर दें, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें आप, और इसके थ्रू जो है पॉइंट्स निकालें। सेकेंड स्टेज क्या है, अब इससे पॉइंट निकालने हैं हमको। तो हम क्या करेंगे, वही सेम जो हमने अभी बताया था आपको, हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, ठीक, इसमें x1 और x2 की वैल्यू लिखनी है हमको। पहले हमने x1 को 0 ले लिया, ठीक, और फिर हमने x2 को 0 ले लिया, ठीक है। जब x1 को हमने 0 लिया है तो x2 हमारा कितना आएगा, 14, ठीक है, और जब हमने x2 को 0 लिया है तो x1 कितना आएगा हमारा, 12, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ रहे हैं अब हमारे पास, अगर हम देखें तो 0,14 आ रहा है एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा आ रहा है 12,0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह हम जो है दूसरी लाइन की इक्वेशन लेंगे, 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 32, इसमें भी सेम उसी तरह से हम इक्वलिटी का साइन लेंगे, ठीक है। इक्वलिटी का साइन लेने के बाद फिर हम इससे भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये हमने 0 ले लिए, ठीक है। अब आप करने की कोशिश करेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा, देखें आप, अगर हम x1 को 0 ले रहे हैं, x1 को 0 ले रहे हैं तो x2 कितना आएगा इसमें, 16, और x2 को अगर हम 0 ले रहे हैं तो हमारा x1 कितना आएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें दो जो है अलग अलग वो मिल रहे हैं, 0,16 मिल रहा है एक, और दूसरा मिल रहा है 8,0, ठीक है।
देख लें इसको अच्छे से। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं इसके बेसिस पर अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें एक बार, यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ जीरो ले लिया हमने, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और आगे सो ऑन तक एक्स हो गया ये। ठीक, ये x1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ेंगे अपन, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, तो ये हमने जो है डिफरेंस 2, 2, 2, 2 का डिफरेंस लेकर हमने कर लिया है। ठीक, तो जब भी ग्राफ आप ड्रॉ करें तो आप देख लें कि भाई जो जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, है ना। इन कोऑर्डिनेट के बेसिस पर आपको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू अपने को कहाँ तक जानी है, उस मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से आप बना लें। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0, 14 और 12, 0, एक था एक लाइन की इक्वेशन का, 0, 16 और 8, 0 ये दूसरा था जो कि हमने इससे लिया है। ठीक है, ये दो अलग अलग लाइन की इक्वेशन है, तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई करा कि भाई कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको हमने आपस में मिला लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें आप ध्यान से, और दूसरा हमने लिखा था ये वाला पॉइंट, 14 और 12 वाला पॉइंट, फिर हमने इसको आपस में ऐसे मिला लिया। अब हमारे पास लाइन वन और लाइन टू दोनों की इक्वेशंस दिख रही हैं, ये है सेकंड लाइन, ठीक, और ये वाली जो दिख रही है अपनी, ये है फर्स्ट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें, ये हमने फर्स्ट और सेकंड जो लिखा हुआ है इसमें कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, 0, 12 यहाँ पर दिख रहा है, यानी 12, 0 ये दिख रहा है अपने को, ठीक, और 8, 0 ये दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर जो दिख रहा है 0, 14 दिख रहा है यहाँ पे, और ये दिख रहा है 0, 16। इन पॉइंट्स के बेसिस पर हमने पहले ड्रॉ कर दिए थे, अब जो हमारी इनइक्वलिटी की साइन थी उस इनइक्वलिटी के हिसाब से ये साइन हमें ये बता रहा है कि हम टूवर्ड्स ओरिजिन जाएं। टूवर्ड्स ओरिजिन की कंडीशन में मतलब इस लाइन को हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और इस वाली लाइन को भी हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो फिजिबल जोन कौन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक ये हो जाएगा पॉइंट फिजिबल जोन का, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, और एक पॉइंट ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। ये वाला पॉइंट 0, 0 ये हमारे पास है ऑलरेडी, ये वाला पॉइंट भी है हमारे पास, ये वाला पॉइंट जो है ये भी है, ये वाला पॉइंट नहीं। तो ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन किसका है, दोनों लाइनों का, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस कौन कौन सी थी स्टूडेंट्स, 7x1 + 6x2 = 84 एक थी, दूसरी थी 4x1 + 2x2 = 32। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमने इसमें निकाला तो हमारे पास पॉइंट क्या मिल गए, 2.4 और 11.2, ये हमारे पास पॉइंट मिल गए, यानी यहाँ पर हमारे को ये वाले पॉइंट भी मिल गए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे पॉइंट हैं, अब हमें क्या निकालना है, जेड मैक्सिमम किस वैल्यू पर। तो जेड की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जेड की इक्वेशन थी 11x1 + 4x2, ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमारे पास पॉइंट जो बचे, जो पॉइंट हमें निकालने हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक पॉइंट तो ये 0, 0, तो जेड मैक्सिमम की अगर बात करें, यहाँ 0, 0 ही दिखेगा अगर हम पॉइंट इस पॉइंट की बात करें, 0, 0 पॉइंट की बात करें, दूसरा 8, 0 वाले पॉइंट की बात करें। अब जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं,
11 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 88। इस पॉइंट पर निकल गया 88 जेड की वैल्यू। ठीक, अब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं, हम 2.4, 11.2 जेड मैक्सिमम निकालना है हमको। अब हमने क्या किया, 11 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 11.2। ठीक है, ये आ रहा है हमारा 71.8। ठीक है, अब फिर Z की मैक्सिमम वैल्यू एक यहाँ पर भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये निकल जाएगा 0.14 पर। ठीक, यहाँ Z की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करी हमने। ठीक, तो ये हो जाएगा 11.0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4 इंटू 14, ये हो जाएगा 56। अब स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, ये जो Z की वैल्यूज निकली हैं इनको हमें कंपेयर करना, 1, 2, 3, 4 पॉइंट है ये, है ना। तो इनमें से आपको मैक्सिमम कौन सी वैल्यू दिख रही है, यहां दिख रही है साफ साफ कि इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर जो है Z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, तो ये बता रहा है कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो जिसमें कि अगर हम जो क्वेश्चन दिया रहेगा कि हम अगर X1 या जो हमने सिंबल्स निकाले थे यहाँ पर X1 और X2, तो हम प्रोडक्ट A भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट B भी ले सकते हैं, प्रोसेस 1 भी ले सकते हैं, प्रोसेस 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मुलेशन में किया था। तो अगर लिखा हुआ है प्रोसेस 1 तो हम ये बोलेंगे प्रोसेस 1 जो है उसमें 8 प्रोडक्ट रहेंगे। ठीक है, और प्रोसेस B जो है उसमें 0 प्रोडक्ट रहेंगे, तब हम Z की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह प्रोसेस की भी बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखना है इसमें। तो आंसर क्या होगा, Z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 8.0 पर होगी और वो रहेगी 88। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है ग्राफिकल मेथड आपको करना है। ठीक है, देख लें एक बार ध्यान से, बहुत सिंपल मेथड है, आप मन से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ डायरेक्ट एक क्वेश्चन को लिया है और उसको हमने पूरी तरह से सॉल्व कर कर आंसर निकाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपको पहले जो है क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे हमने फॉर्मुलेशन की बात करी थी, पहले फॉर्मुलेशन करेंगे, फिर लाइन की इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, फॉर्म करने के बाद फिर आपको फर्दर जो है मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई। ठीक है, देख लें एक बार और ध्यान से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।